नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ वाल्मीकि नगर में माघ मौनी अमावस्या के अवसर पर पवन नारायणी के त्रिवेणी संगम तट पर स्थित काली घाट, लौकुश घाट, अमृत खोला, सुनहा घाट, बेलवा घाट के अलावा सीमा पार नेपाल के त्रिवेणी घाट पर शनिवार को लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। नेपाल, उत्तर प्रदेश और दूर दराज से आए लोगों के महर्षि वाल्मीकि के तपोवन से जुड़े वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में हर हर गंगे जय घोष कल देर शाम शुक्रवार को गुंजायमान रहा। जानकारी हो कि भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि धाम और त्रिवेणी धाम का यह मेला माघ मौनी अमावस्या के मौके पर लगता है। पंडित उदय भान चौबे एवं पंडित भूषण मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि जिस काल में सूर्य का उदय होता है, दिन भर वह तिथि मान्य होती। शनिवार को सूर्य निकलने से देश विदेश से आए श्रद्धालु के चेहरे खिल गए हैं। आग का कपाती ठंड से भक्तों को राहत मिली है, वही मौसम अनुकूल होने से रविवार को भी भीड़ रहेगी। श्रद्धालुओं को हजारों वाहन स्थानीय हाई स्कूल परिसर, सिंचाई विभाग, थाना परिसर, अतिथि भवन, बैंक परिसर, कॉलेज परिसर, गंडक बराज परिसर, 3 नंबर पहाड़ ऊपरी शिविर, ट्रेनिंग कॉलेज परिसर, बाल विद्या केंद्र परिसर, चंद्रेश्वर महाशिव मंदिर परिसर आदि में लगे रहे। श्रद्धालुओं के स्नान दान करने के बाद ऐतिहासिक कौलेश्वर श्रद्धालुओं के स्नान दान करने के बाद ऐतिहासिक कौलेश्वर धाम, जटाशंकर धाम, नर देवी माता मंदिर, कालीघाट वाल्मीकि आश्रम, सीमा पार नेपाल में गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम मंदिर में आस्था के साथ पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने मार्ग में भिक्षा टन के लिए शिक्षुकों को अन्य द्रव्य और दान करते हुए आस्था के मुताबिक गौण दान भी किए। श्रद्धालुओं के भीड़ से पटे मेले में महाप्रसाद, इलायची दाना, संतरा, मरचा चूड़ा, आनंदी भुजा, जलेबी व तेजपात की बिक्री देखी गयी।